से टोरंटो एंड मेरी रात की फ्लाइट है 11:20 की। मैं पहले इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कोई टेस्ट वगैरह हो, कुछ हो, तो उसका मुझे अभी नॉलेज नहीं है। अभी यहाँ से मैंने अपना RT-PCR करवा लिया है और यहाँ पे एस्ट्रो क्लिनिक था, उन्होंने करा है एंड दे टेक आई गेस लाइक 130 dirhams एंड 8 घंटे में मेरी रिपोर्ट आ गई थी। अब मैंने अपने होटल से चेकआउट करना है, सामान मेरा ऑलरेडी नीचे जा चुका है, तो अब कैब बुक करते हैं सबसे पहले और उसके बाद आगे देखते हैं क्या आता है। हो चुका है और वेट कर रहे हैं कैब का, 2-4 मिनट में आ जाएगी, फिर उसके बाद निकलते हैं। बट सच में जब पहले दिन आया तो मुझे लगा कि बहुत बंदा क्या करेगा, बोर हो जाएगा, सब कुछ होगा, बट उसके बाद देख के लगता है कि यार टाइम का तो पता ही नहीं लगा, लाइक आधे से ज़्यादा चीज़ें तो मैं अभी गया ही नहीं हूँ कहीं घूमने। बट स्टिल इट्स ओके, घर से निकल के घर पे ही जा रहे हैं। फाइनली होटल से निकल गए हैं और अब जा रहे हैं एयरपोर्ट, और प्रॉब्ली 10 से 15 मिनट टोटल ही लगते हैं उसे। सो लेट्स सी, बाकी आज फ्राइडे है तो इतनी भीड़ वगैरह भी नहीं है। एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ और अब यहाँ पे आके पता लगता है कि यहाँ पे तो कोई टेस्ट ही नहीं होता, दे जस्ट रिक्वायर योर RT-PCR, सो नो नीड टू रश अबाउट इट। और मैंने पूछा, मैंने कहा कितने टाइम पहले खुलेगा, सो इट इज़ लाइक 7:30 के अराउंड खुलेगा, 7 या 7:30 के अराउंड, तो आपको तब तक वेट करना है। ऐसे ओके फाइन, तो आपको सजेस्ट कि बहुत जल्दी भी मत आ जाना, जैसे मैं अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट 5 घंटे पहले आया हूँ, राइट, सो आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी डिफरेंस, आराम से 4 घंटे पहले 3.5 घंटे पहले आ जाओ। वेरी स्मूथ प्रोसेस, आपको बस अपना जाना है, पहले आपकी पिक्चर क्लिक होगी उस पर और उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना है और वो गेट्स अपने आप खुल जाएंगे एंड यू कैन जस्ट एग्जिट। फिर उसके बाद सिक्योरिटी आती है, सिक्योरिटी करने के बाद आप और आप आगे निकल जाते हो। उसके बाद ये ट्रेन्स वगैरह चलती हैं ऐसी, मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रेन्स आपको देखने को मिलेगी जहाँ से आप, जहाँ पे गेट नंबर है वहाँ जाने के लिए आपको हेल्प करेगी, और आई गेस ये हर 2-3 मिनटों बाद चलती है और इट्स अ इजी प्रोसेस आई वुड से। ऑलराइट गाइस, सो ट्रेन इज हियर। जैसे आप ट्रेन से निकलोगे आपने तो एस्केलेटर ले ली और उसके बाद आप पहुँचे, ये भी नहीं चल रही, सबसे बढ़िया लगी है कि कोई टेंशन नहीं, कोई हैसल नहीं, आराम से चल मार रहा हूँ, घूमो फिर ऐश करो जैसे ही। ऑलराइट गाइस, सब बोर्डिंग शुरू हो गई है, बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं, बोर्डिंग के लिए जाते हुए। फाइनल अपडेट ये है कि कनाडा पहुंच गया हूं और इमिग्रेशन से निकल गया हूं, बस उन्होंने
वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा था और इसके अलावा पूछा था कि आप कितने टाइम इंडिया में थे और वहाँ से आप क्या लेके आए हो क्या नहीं, और अगर आप वर्क परमिट पे थे तो कब मिला था, बस ये इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। वो वैक्सीन लगी हुई है तो आपको 14 दिन क्वारंटीन करना है, तो आपके पास जगह है? मैंने कहा हाँ जी मेरे पास जगह है। सो कहते बस ठीक है ओके। ऑलराइट गाइस, सो अब अपडेट ये है कि बैगेज वगैरह मिल गए हैं, जिसको आने आने में कितना टाइम लगा है, 1 घंटा लग गया यार आते आने में। ऑलराइट गाइस, सो जब आप अंदर आ जाओगे तो आपका इमिग्रेशन हो गया, बैगेज चेक हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद आप सीधा जब आओगे तो स्विच हेल्थ की एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके आना, उस पर आपका अगर आपकी कोवैक्सीन लगी हुई है तो आपका टेस्ट होगा उस पर, और उसके साथ ये वाली आपको किट देंगे, किट रहेगी, और 8th डे ये हमने अपनी टेस्ट करना है अपने आप को डॉक्टर, और उसके बाद जो जो इंस्ट्रक्शन इसमें लिखी होगी वो मैं आपको घर पहुँच के बताता हूँ। अभी तक की जर्नी बढ़िया रही, स्मूथ रही, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी मैं एक ओवरऑल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। सो बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन हो कुछ हो नीचे आप कमेंट कर देना, एंड मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का, और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना क्योंकि स्टार्टिंग करी है अभी जस्ट, और आप लोगों का एक सपोर्ट चाहिए इस चीज़ पर जिससे कि मैं आगे भी ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँ। टिल देन टेक केयर, गॉन्जोर, बाय। तक बहुत ज़्यादा गए हैं, नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।